अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला साहब ऑफ अकाउंटेंसी। और जैसा कि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी इंटरव्यू ब्लंडर्स पे, तो बच्चों ने बहुत लाइक की और उनके बच्चों की ज़िद पर उन्होंने कहा सीवी ब्लंडर्स पे ही बात करें। अच्छा, ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैंने एक बड़ा रियल किस्सा सुना और उसमें एक बड़ी लर्निंग है। देखिए, सबसे पहले तो सीवी का ये ऑब्जेक्टिव जहन में रख लें कि सीवी एक मीडियम है आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचाने के लिए। तो हमने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी कि जिसकी वजह से हमारे चांसेस कम हो जाएं उस इंटरव्यू टेबल तक जाने के लिए। अच्छा, मैं फर्स्ट आपके सामने एक पहली गलती पेश कर रहा हूँ कि कोशिश करके पिक्चर इंक्लूड ना करें। क्यों? पिक्चर से स्टीरियोटाइपिंग होती है। क्या मतलब? हो सकता है कि इदारा बहुत ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो और आपकी पिक्चर बहुत मॉटकॉट सी हो या कोई ऐसी हो, स्पाइक्स हैं ये वो, और वो उस पिक्चर की बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर दे। या एक बहुत ही कोई लिबरल इदारा हो और आपका थोड़ा रिलीजियस टाइप का सेटअप हो और हो सकता है वो आपको पसंद ना करें जबकि आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हो और मुलाकात में बात बन जाए, तो बेहतर है पिक्चर इंक्लूड ना करें। इसी तरह ये यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो लोग तो कोशिश करते हैं कि पिक्चर इंक्लूड ना करें क्योंकि वो ब्लैक देखते ही कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में तो इतना है कि लोगों ने, कितने ब्लैक्स ऐसे मैं जानता हूं जिन्होंने अपने नाम ऐसे चेंज किए हुए हैं कि जो गोरों को पसंद आए। तो भाई ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका ख्याल कीजिएगा। नंबर टू, बेहतर है अपना एड्रेस ना लिखें सीवी में, बस सिंपल लिख दें कराची पाकिस्तान। क्यों? एड्रेस से भी स्टीरियोटाइपिंग होती है कि यार ये फलां एरिया का है, ये लो एरिया है, ये हाई एरिया है। इसी तरह मैंने कितने बच्चों को देखा है कि वो यूके के मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो ईस्ट लंदन में रहते हैं लेकिन वो अपने रिलेटिव्स का एड्रेस लिखते हैं कि यार साउथ लंदन में हम रहते हैं, क्योंकि वहां भी इवन लंदन में भी ये इंपैक्ट आता है कि यार एरिया का इंपैक्ट आता है। अच्छा, एड्रेस का एक और इशू है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ऑफिस है क्लिफ्टन में और मुझे कोई सीवी दे रहा है कि वो नॉर्थ तांजावाद में बच्चा रहता है, तो मैं देखते ही रिजेक्ट कर दूंगा, यार इतने दूर से बच्चे को मैं क्यों हायर करूं। तो बेहतर है एड्रेस ना लिखें, ये भी एक मसला है जिसकी वजह से आप फंस सकते हैं। थर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह सही हो। यार ये फर्स्ट इंप्रेशन है। अब जैसे ही जिसको सीवी रिसीव होती है वो देखता है, बोलता है यार इसने स्पेलिंग मिस्टेक तक ये सही नहीं कर रहा, ये हमारे, ये तो पहला कदम है, इस कदम में ये फेल है तो ये अपनी जॉब के लिए कितना सीरियस है, यहीं से रिजेक्ट हो जाता है। नंबर चार, सीवी बहुत लेंदी ना हो। जैसे एक प्रोफेशनल है बड़ा, तो उसके लिए 2-2.5 pages की सीवी बस आइडियल है, उससे ज़्यादा बड़ी ना करें क्योंकि इसमें फिर मसला होता है। एक तो दुनिया स्मार्टनेस की तरफ जा रही है, नंबर टू ये भी है कि आप ये सोचेंगे कई बार आपकी काम की चीज फिर बीच में छुप जाती है, बंदा वो काम की चीज मिस कर देता है। नंबर फाइव, एक और पॉइंट ये जहन में रखें कि आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं ना, वैसे तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस जो अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पहले शेयर करते हैं, बेहतर है ये ना करें। आप क्या करें, अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करें। फॉर एग्जांपल, मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा हूं और मैं एक ऑडिटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, मैंने पीएसओ की भी ऑडिट की हुई है, मैंने और डिफरेंट इदारों की भी ऑडिट की हुई है। तो अब जब मैं पेट्रोलियम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो टॉप पे मैं सारे पेट्रोलियम वाले अपने एक्सपीरियंस लिखूँ, और ज़रूरी नहीं है सारे के सारे एक्सपीरियंसेस भी लिखें, रेलिवेंट लिखें जो उस इदारों के लिए रेलिवेंट हो। नंबर सिक्स, नेक्स्ट, फनी ईमेल आईडीज, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बहुत प्रोफेशनल्स ने कंप्लेन की है कि इंटरनल ऑडिट में बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं और उनका ईमेल आईडी क्या होता है बताऊं, raja420@hotmail.com, उनके ईमेल आईडी होते हैं nightrider@gmail.com। ये कैसा ईमेल आईडी है, यानी आपके पास अपने नाम का ईमेल आईडी भी नहीं है, तो ये भी एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह फैंसी सीवीज, ये भी चल रहा है भाई आजकल मार्केट में, अजीब व गरीब नक्शो निगार करके आपने सीवीज बनाई भी। अभी एक प्रोफेशनल ने बताया उनको एक ऐसी सीवी रिसीव हुई कि जिसमें डेट ऑफ बर्थ के आगे उन्होंने पैंपर वाला एक बच्चा डाला हुआ है, तो वो नक्शो निगार और ऐसा अजीब व गरीब रंग बरंगी, तो वो फिर अल्टीमेटली सीवी नहीं, वो फिर वो पठान का नाड़ा बन जाता है, सॉरी के साथ। तो अजीब व गरीब बातें ये। इसी तरह रेफरेंसेज इंक्लूड कर, कुछ बच्चे काफ़ी सारी रेफरेंसेज इंक्लूड कर देते हैं। देखें, रेफरेंसेस बेहतर है इंक्लूड ना करें क्योंकि रेफरेंसेस से एक तो सीवी लॉन्ग हो जाएगी, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने रेफरेंसेस गलत डाल दिए, यानी कोई ऐसे ऑर्डिनरी रेफरेंसेस डाल दिए कि यार मैंने फलां फोटोकॉपिंग शॉप पे काम किया था, या आपने किसी ऐसे बंदे का रेफरेंस डाल दिया जो खुद जॉब ढूंढ रहा है, तो उससे भी बात खराब हो सकती है। तो रेफरेंसेस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप सेलेक्ट हो जाएं, तो अभी से क्यों ये हरकत कर रहे हैं। इसी तरह अब कई बार ये एक बड़ा ब्लंडर है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें लिखा होता है कि आप हेड ऑफ एचआर को आप ये सीवी सेंड करें, फलां बंदा नाम है मिस्टर मुस्तफ़ा या उसको, तो जब ये लिखा हुआ है कि एक मर्द को आपने सीवी, मेल को सीवी भेजनी है, उसका नाम लिखा है, तो डियर सर लिख दें या डियर मुस्तफ़ा लिख दें। अब आप ये क्यों लिख रहे हैं टू हूम इट मे कंसर्न, अब आप ये क्यों लिख रहे हैं कि डियर सर स्लैश मैडम, इसका मतलब आप इतने नींद में हैं
क्या आपने उस जॉब की एड भी सही नहीं पढ़ी, एकदम इंप्रेशन खराब हो सकता है। इसी तरह गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आगे देखें तो कुछ लोग वर्ड फॉर्मेट में अपनी सीवी फॉरवर्ड कर देते हैं, वर्ड फॉर्मेट में गलत, पीडीएफ फॉर्मेट में करें। वर्ड फॉर्मेट का पहली बात है इंप्रेशन भी अच्छा नहीं होता और ऐसा लग रहा होता है कि आपने किसी दोस्त से सीवी ली और उसमें ठक ठक ऑल्टर करके आगे फॉरवर्ड कर दी, इंप्रेशन गलत जा रहा होता है। सिमिलरली एक और इशू होता है कि सीवी किस नाम से सेव करनी है, तवज्जो सुनिएगा, ये भी एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है। देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो मैं सिंपल यूं करूंगा मुस्तफा मिर्चावाला सीवी नाम सेव करने के लिए और स्लैश करके हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट लिख दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, तवज्जो सुनिएगा, वो सीवी बार बार बनाते हैं और बार बार सेव कर रहे होते हैं, तो उनकी सीवी इस तरह सेव हुई होती है, सीवी वन वर्जन टू, सीवी वन वर्जन थ्री, सीवी वन वर्जन फोर। एक सेकंड में सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यार ये धड़ाधड़ हर जगह सीवी मारता रहता है और ये इसका काम ही है बार बार सीवी बना बना के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीवी सेंड करता है, नहीं इसका काम है बॉम्बिंग करना, बॉम्बिंग करना सीवी की। अच्छा इसका एक और मसला भी है, ये कई बार हमने टीचिंग इंडस्ट्री में भी देखा है कि कुछ टीचर्स एक ही वक्त में ACCA की जगह पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ON लेवल्स में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बार बार CV को ऑल्टर करते हैं, जहां अप्लाई करना होता है ना उसी हिसाब से ऑल्टर करके ठक ठक अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब आपने उसमें 1, 2, 3 करके डालोगे तो सामने वाला समझ जाएगा यू आर जस्ट जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, तो ये भी एक खतरनाक बात है, सामने वाले को बात समझ में आ जाती है। अच्छा एक और चीज़ लोग क्या करते हैं, जब सीवी सेंड करते हैं, तवज्जो सुनिएगा, सीवी सेंड करते हैं तो उस ईमेल में आपने थोड़ा सा टेक्स्ट भी, अकंपनी टेक्स्ट भी आपने डालना होता है सीवी के साथ साथ, तो सिर्फ ये ना लिखें रेफर माय सीवी, अटैच सीवी, ऐसे इसका मतलब ये आपने सीवी मुंह पे मार दी या खुद देख लेना, नहीं। आप लेटेस्ट से अगर पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये लिखें उसमें टेक्स्ट कि आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस ऑफ पेट्रोलियम एंड ये दिस इज माय रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, तो ये वो पॉइंट होगा जिससे सामने वाले का दिल चाहेगा वो आपकी सीवी खोल के देखेगा। एक और बड़ा मसला भी ये सब चीज़ें हो रही है मार्केट में, कुछ लोग सीवी में फ्यूचर की बातें लिखना शुरू कर देते हैं। भाई आप अपना प्रेजेंट लिखो, अपना पास्ट लिखो, फ्यूचर की कि मैं 2020 में 22 में ICW कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं FRM कर लूंगा, ये कर लूंगा, व्हाट इज दिस, वॉट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक सीवी नहीं बनानी। और आखिरी चीज़ जो मैं बहुत अहम बात है और ये मुझे जब मैंने इंटरव्यू की वीडियो बनाई तो मेरे अपने एक स्टूडेंट ने कॉल करके एक किस्सा सुनाया, रियल किस्सा है लास्ट वीक का, भाई सीवी बनाते वक्त होश में रह के सीवी बनाएं और ऐसी बातें लिखें जो बाद में आप प्रूव कर सकें। और बड़ी अजीब और गरीब ये किस्सा है, एक स्टूडेंट, अच्छा आप लोग सब ये जानते हैं कि ACCA ICW जितनी भी ये क्वालिफिकेशन हैं इनमें सिर्फ आपको पेपर्स क्लियर करने से मेंबरशिप नहीं मिलती बल्कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, तो ACCA में 3 साल का रेलेवेंट आपको एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अब एक बच्चे ने लास्ट वीक की बात है एक बैंक में इंटरनल ऑडिट की पोजीशन पर अप्लाई किया और वो उसने लिख दिया था कि ACCA मेंबर है, तो जब वो इंटरव्यू शुरू हुआ ना तो जो इंटरव्यूअर था ना वो खुद भी ACCA मेंबर था, तो उसने एक नज़र सीवी को देखा तो उसमें लिखा हुआ था 1 ईयर एक्सपीरियंस, उस बच्चे का 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो उसने बच्चे से फौरन पूछा यार बोला तुम ACCA मेंबर हो और तुम्हारा सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है जबकि ACCA मेंबरशिप के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आपको पता है उस बच्चे ने आगे से क्या रिप्लाई किया, वो यूँ मुस्कुराया और उसने बोला मेरे चाचा फलां इदारे में बड़ी अच्छी पोस्ट में हैं, मैंने उनसे बोल के रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिखवा लिया। तो वो इंटरव्यूअर ने मुझे कॉल करके बोला हम हैरान रह गए, तो पहले तो वो बच्चा इलीगल काम किया उसने, इलीगल अनएथिकल, यानी उसका अपना कैरियर ज़ाया हो सकता है और अपने चाचा का भी नाम ले रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम ले रहा है और साथ हंस भी रहा है, यानी समझ में नहीं आता ये बच्चे किस क्या चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद प्राइम मिनिस्टर की पर्ची पे आए हैं। ये ऐसी बात हो गई कि आपने किसी से पूछा कि यार तुम्हारी शादी को कितने साल हुए, तो उसने कहा 15 साल, फिर आपने उससे पूछा तुम्हारा बेटा कितने साल का है, तो आगे से बोल रहा है 17 साल का। तो यार कुछ सोच के तो बोलो, उम्मीद है ये सारी बातें आपको पसंद आए होंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।